चापित कथाएं। सपनों की दुनिया बहुत रहस्यमयी होती है। कुछ सपने हसीन होते हैं, कुछ दुखद, कुछ हंसाने वाले, कुछ भक्तिमय, तो कुछ बहुत अजीब, बहुत ही ज्यादा अजीब होते हैं। मैंने तो यहाँ तक सुना है कि कुछ सपनों का पूर्व जन्म से भी नाता होता है, या कुछ सपने हमारे आने वाले समय का आईना होते हैं। कुछ सपने ऐसे होते हैं जो हमारी जिंदगी और मौत के बीच का फासला तय करते हैं। ऐसे ही एक कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। मेरा तबादला मेडिकल ऑफिसर के रूप में सबसे बदनाम धनकपुर गांव में हुआ। इसे मेरी बदकिस्मती कहिए या खुशनसीबी, पता नहीं, क्योंकि बतौर डॉक्टर ये मेरी पहली नौकरी थी। पर जितनों को मैंने धनकपुर के बारे में बताया वो सब डर ही जाते थे इस गांव का नाम सुनकर। पर मैं शुरू से अकेले रहने वाला इंसान हूँ, चाचा चाची ने पाला था, भूत प्रेत का नाम मेरे शब्दकोश में था ही नहीं। मैं जैसे धनकपुर गांव उतरा तो दो लोग, राजीव और धनेश, मुझे लेने आए हुए थे। राजीव एक कंपाउंडर था और धनेश एक हेल्पर। वो दोनों मेरे पास आकर कहने लगे, सर जो घर आपको सरकार की तरफ से मिला है उसके बारे में कई अफवाहें हैं। कुछ एक डॉक्टर उसमें से रहस्यमय तरीके से गायब हो चुके हैं। आपके लिए हमने दूसरा रूम बुक कर दिया है। मैंने बोला, जब सरकार ने घर दिया है तो मैं अपने पैसे क्यों खर्च करूं? मुझे सब पता है, एक काफी चर्चित केस था यहाँ का, डॉक्टर सुभाष के गायब होने का। हाँ सर, पर वो जगह काफी भूतिया है, राजीव के बोलते ही मैंने उसको घूरा। ठीक है सर, आप साथ चलिए, मैं सब साफ करवा देता हूँ, उसमें डॉक्टर सुभाष का कुछ सामान भी है, धनेश ने बोला। मेरे लिए एक ही रूम काफी है और उनके सामान को क्यों छेड़ना, मैंने उसकी बात काटते हुए कहा। सब साफ करने के बाद एक बुजुर्ग सी महिला भी ले आए जिसका नाम था धनवंती। दोनों ने कहा, सर ये सरकार के तरफ से मिली हुई दाई है, आपको झाड़ू पोछा, खाना बनाना, कपड़े धोना सब करके देगी। काफी सालों से जो डॉक्टर यहाँ आता है यही सबका काम करती है। पर हमारा एक शर्त है बिटवा, जब तक तुम इस घर में रहोगे तब तक ही हम सब काम करेंगे, अकेले नहीं रहेंगे इसमें, धनवंती हाथ जोड़ते हुए बिहारी लहजे में बोली। उसके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। ठीक है अम्मा, मैंने भी हंसते हुए मन में सोचा शायद अम्मा डरी हुई हैं। मैं फ्रेश होकर सुभाष के रूम के तरफ गया। धनवंती अपना काम कर रही थी, वहाँ सुभाष के कुछ कपड़े और डायरी पड़ी हुई थी। मैं बोर हो रहा था सो उसकी डायरी लेकर बैठ गया। तभी धनवंती चाय लेकर आई तो मैंने पूछा, अम्मा आपको पता है ये डॉक्टर सुभाष के साथ क्या हुआ था? मेरा इतना ही कहना था कि धनवंती कांपने लगी और रोते हुए बोली, हमको कुछ पता नहीं है बिटवा, हमको इस सब में नहीं घसीटो, हमको कुछ मालूम नहीं है। ठीक है अम्मा, जाओ आप। फिर मैं चाय की चुस्कियों के साथ डायरी के पन्ने पलटने लगा। वो डॉक्टर सुभाष की जीवनी थी। मैं पढ़ने लगा, मैं सुभाष गुप्ता हूँ और ये है मेरी जीवनी। बड़े बड़े मोटे अक्षरों में डायरी के शुरुआत में ही लिखा था। अभी इतना ही पढ़ा था तब तक एक काली सी बिल्ली आई। सच बोलूं तो मैं थोड़ा डर गया था। मैंने उठकर बिल्ली को भगाया और दरवाजा बंद कर दिया। उस डायरी के अनुसार पहला दिन था डॉक्टर सुभाष का धनकपुर गांव में। गांव की खूबसूरती और गांव के लोगों का वर्णन था। इतना पढ़ते पढ़ते मैं सफर का थका हारा नींद की आगोश में चला गया। तभी अचानक लगा कि मुझे खिड़की से दो जोड़ी आंखें घूर रही हैं। आंखें खुली और मैं दौड़कर बाहर गया। मैं सही था, वो एक लड़की थी करीब मेरे ही उम्र की, पीले रंग की सलवार कमीज में, खुले काले लंबे बाल। वो काफी डर गई मुझे देखकर। कौन हो तुम और ऐसे चोर जैसे क्यों देख रही थी, मैंने डपटते हुए कहा। मैं बसंती हूँ, थोड़ी घबराई हुई वो अपनी बड़ी बड़ी आंखें दिखाते हुए बोली। ऐसे क्यों घूर रही थी, वो भी छुपकर, मैंने पूछा। सर मैंने सुना है आप गांव में नए डॉक्टर आए हो, क्या आप मेरे पापा का इलाज कर दोगे, बसंती ने पूछा। क्यों नहीं, कल अस्पताल में ले आना अपने पिताजी को। ठीक है सर, वो हंसती हुई वहां से चल दी। अगले दिन मैं वो डायरी ले गया और स्कैन करने वाले को दिलवा कर पेन ड्राइव में डालने बोला, ताकि जब मैं चाहूँ अपने हिसाब से वो डायरी लैपटॉप या मोबाइल में पढ़ सकूँ। क्योंकि कुछ था उस डायरी में जो मुझे आकर्षित कर रहा था। शायद वो उसी घर में एक डॉक्टर की जीवनी थी जो गायब हो चुके थे, इसलिए मुझे ज्यादा कौतूहलता थी। लीजिए सर, इसको स्कैन करने में दो लोगों के प्रिंटर खराब हो गए, बड़ी मुश्किल से तीसरे के यहाँ से करा कर लाया हूँ, धनेश ने कहा। धन्यवाद धनेश। उस दिन राजीव छुट्टी पर था, वरना वही इन सब कामों में तेज था, क्योंकि धनवंती जैसे वो भी पिछले कई डॉक्टरों के साथ काम कर चुका था। धनेश की बहाली अभी अभी हुई थी। धनेश अस्पताल से निकला ही था, पीछे से एक औरत तेज कदमों से मेरी तरफ आई। देखने में वो महिला पढ़ी लिखी सभ्य लग रही थी।
चूंकि छोटा शहर था तो मैंने रिसेप्शन नहीं रखा था। चेहरे से लग रहा था कि कई दिनों से सोई नहीं है। उसकी आंखों के चारों तरफ बड़े बड़े डार्क सर्कल्स थे। एकदम हैरान परेशान सी लग रही थी। मैं कुछ पूछता उससे पहले ही वो बोल पड़ी, सर मैं एक न्यूज़ रिपोर्टर हूँ, मेरा नाम है आलिशा। मुझे मेरे चैनल से निष्कासित कर दिया गया था तो मैं चैनल वालों का विश्वास जीतने के लिए कुछ अलग शूट करना चाहती थी कि चैनल को एक अच्छी TRP देकर उनका विश्वास दोबारा जीत सकूं। सो मैं यहाँ के सबसे बदनाम राम सरोवर तालाब के पास गई उसका रहस्य का पता करने। अरे पर वो तो काफ़ी बदनाम तालाब है, मैंने भी उसके बारे में बहुत सुना था यहाँ आने के पहले। आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए था, मैंने कहा। हाँ सर, यहाँ का मशहूर केस डॉक्टर सुभाष वाला भी उसी तालाब से ही संबंधित था। मैंने सोचा था ये अच्छा मौका है चैनल में अपनी साख जमाने का। फिर इससे पहले भी मैं अपने चैनल की टीम के साथ भानगढ़ और कुलधरा जा चुकी थी। मैंने जैसे उस तालाब को पार किया सामने बस एक ही घर था और उसके पीछे श्मशान, उसके बाद कुछ आबादी थी। मैं चुपके से उस घर में गई तो एक बड़ी सुंदर सी प्रौढ़ औरत कुछ तंत्र मंत्र कर रही थी। मैं छुपकर देखने लगी। घर के छत पर अनगिनत शैतान उड़ रहे थे, भयानक अट्ठहास कर रहे थे। वो उनसे वहाँ बोल रही थी कि बस अब कुछ दिन और बाकी हैं, मेरे 21 वर्षों की तपस्या का नतीजा आने वाला है, उसके बाद मैं अमर हो जाऊंगी और मेरे पास काली शक्तियों का भरमार होगा। तभी उनमें से एक शैतान बोला, एक ही बार डॉक्टर सुभाष के जरिए 20 बलियां दी थी तुम लोगों ने, बस एक बलि की वजह से तुम्हारे पिता का अनुष्ठान अधूरा रह गया था। वो अनुष्ठान पूरा होने पर तुम्हारे पिता अमर हो जाते और तुम दोनों तमाम काली शक्तियों के मालिक बन जाते, और हर पूर्णिमा पर तुमको हमें मानव बलि भी ना देनी पड़ती अपनी शक्तियों को जीवित रखने के लिए। बस अब इंतजार समाप्त हुआ, तुम लोगों को बलि अवश्य मिलेगी और मैं अपना अधूरा अनुष्ठान भी जरूर पूरा करूंगी, प्रौढ़ औरत ने आंखें चमकाते हुए कहा। मैं अपने फ़ोन से ये सब शूट कर रही थी कि अचानक मेरे हाथ से मेरा फ़ोन गिर गया और उसने देख लिया। मैं काफ़ी डर गई और फ़ोन भी उठा नहीं पाई। तभी वो औरत मेरी तरफ एकटक से देखने लगी थी। मैं ना चाहते हुए भी उसकी तरफ खींचते चली गई और उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। फिर जब मुझे होश आया तो मैंने खुद को तालाब के किनारे बेहोश पाया और देखा कि एक छोटी सी लड़की जो पानी में भीगी हुई थी, जिसके बाल आगे की तरफ थे और चेहरा उन्हीं से ढका था, मेरे से थोड़ी दूर पर ही मेरे कपड़े हाथ में लिए जोर जोर से वेदना से रो रही थी। जैसे मैं उसकी तरफ गई वो बोली, दीदी आज के बाद सोना मत। जोर से हंस के वो उसी तालाब में कूद गई और गायब हो गई। मैं कुछ समझ ना पाई और जैसे वापस होटल में आई सब कुछ अजीब होने लगा मेरे साथ। क्या अजीब, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे आंखों के सामने भूतिया मूवी चल रही है। मेरे आसपास हरदम वो पानी से भीगी हुई बच्ची मेरे पहने हुए कपड़े और अपने हाथों में लेकर जोर जोर से विलाप करती दिखाई दे रही थी, जैसे मैं मर गई हूँ। और जैसे मैं सोती हूँ मुझे एकदम अजीब सपने आते हैं। कैसे सपने, मैंने कहा। एक बार मैंने देखा था उस तालाब पार वाली औरत ने सपने में मेरे हाथ बांधकर उसी तालाब में फेंक दिया। मैं जोर जोर से चिल्ला रही थी और वो औरत हंस रही थी मुझ पर। ये कहिए मेरी वक्त पर नींद खुल गई और मैंने अपने बेड पर चारों तरफ पानी ही पानी पाया, और उठने के बाद भी मेरा दम घुट रहा था, यानी अगर मैं वक्त पर ना उठती तो मैं मर जाती, आलिशा ने कहा। ये कैसे मुमकिन है, मैंने कहा। यकीन मानिए डॉक्टर साहब, ना मैं सो पा रही हूँ ना जग पा रही हूँ, ऐसा कहकर वो जोर जोर से रोने लगी। मुझे लगा ये एक मनोरोगी है तो मैंने उससे दवाई देने से पहले कुछ कागजात साइन करा लिए, क्योंकि वो अकेली थी, कुछ होने पर मेरी जवाबदारी होती, और मामले की नज़ाकत को देखकर उसने भी साइन कर दिया। मैंने उसको बिना बताए नींद की इंजेक्शन दे दी, वो शायद थोड़ी देर सोएगी तो आराम आएगा। जैसे वो नींद की आगोश में जाने लगी और चिल्लाने लगी, ये क्या कर दिया डॉक्टर साहब आपने, वो डायन मुझे मार देगी। जैसे वो सोई ऐसा लगा जैसे उसको कोई अनगिनत थप्पड़ मार रहा हो, शरीर पर निशान और घाव दिखाई देने लगे और थोड़ी देर में वो मर गई। मैं आश्चर्यचकित था, पोस्टमार्टम में उसकी मृत्यु हार्ट अटैक से हुई थी। कुछ दिनों से नहीं सोने और मनोरोग की वजह से हार्ट अटैक और खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश हुई है। मैंने रिपोर्ट में यही लिखकर दे दिया। डॉक्टर कहाँ फंसते हैं भला, वो लड़की अभी न्यूज़ चैनल में थी भी नहीं तो मामला आया गया सा हो गया।
एक दिन मैं रूम में बैठकर सुभाष की जीवनी मोबाइल में पढ़ रहा था। उसमें एक सुंदर सी औरत मंजू के बारे में चर्चा थी। डॉक्टर सुभाष उसके प्यार में पड़ गए थे। उस डायरी में उन दोनों का छुप छुप कर मिलना और रोमानियत भरे पलों का जिक्र था। दोनों छुप छुप कर राम सरोवर तालाब के पास मिला करते थे, क्योंकि वो बदनाम तालाब था और काफी सुनसान जगह थी और प्रेमियों के लिए ऐसी जगह उपयुक्त होती है। हालांकि इस डायरी में उनके द्वारा कोई भयानक अनुभव नहीं लिखा गया था। मेरी दिलचस्पी डायरी में बढ़ती जा रही थी, तभी धनवंती की आवाज ने मेरी तंद्रा तोड़ी। वो दौड़ते हुए आई और बोली, बिटवा सुने हो, हमको कोई औरत के रोने की आवाज सुनाई दिया है अभी। मैं वहां गया और देखा कुछ नहीं था वहां पर, तो तमक कर बोला, क्या अम्मा खाली शक करती हो, मैं हूं ना, जाओ काम करो, और हाँ ज्यादा डर लगे तो हनुमान चालीसा पढ़ लेना। वापस आकर देखा तो मोबाइल में डॉक्टर सुभाष की जीवनी खुली हुई थी। उसके अक्षर काले गहरे और बड़े हो गए थे। मैं थोड़ा हैरान हुआ पर सोचा कि कुछ दब गया होगा मोबाइल में। फिर अचानक याद आया, आज बसंती के पापा को आना था अस्पताल में। फिर मैं सरपट तैयार होकर भागा। बसंती का यह तीसरी बार आना होना था मेरे अस्पताल पर। उसके पापा को डायबिटीज की शिकायत थी और वो कई दफा बेहोश हो चुके थे, इसलिए अब ये लोग तसल्ली से उनका इलाज करा रहे थे। इलाज के दौरान बसंती और मेरी नजदीकियां बढ़ने लगी। मैं जानबूझकर बसंती को कभी दवाई तो कभी रिपोर्ट के बहाने अपने अस्पताल बुलाने लगा। बसंती भी अब समझते हुए खुद को आने से ना रोक पाती। हम दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ चुके थे और खाली टाइम में हम दोनों कहीं कहीं घूमने जाने लगे। बसंती की चुलबुली अदाएं और उसका लड़कपन पता नहीं क्यों मुझे बहुत भाता था। फिर बहुत दिनों बाद अचानक जब थोड़ा बसंती से मेरा ध्यान हटा तो मुझे मेरे मोबाइल में वो डॉक्टर सुभाष की जीवनी याद आई। मैं मन में सब काम निपटाने के बाद इत्मीनान से उसको पढ़ने के बारे में सोचने लगा। धनवंती अब मुझसे घुलने लगी थी। वो जब खाना लेकर आई तो बोली, तुमको पता है बिटवा, यहाँ शुरू से बच्चे बहुत गायब होते हैं। पिछले कई डॉक्टर तो पैसा लेकर कन्या भ्रूण हत्या भी करते थे, तुम तो नहीं करते हो ना ये सब? नहीं अम्मा, ये सब पाप है, मैं नहीं करता। और मेरे आगे पीछे कौन है जिसके लिए मैं गलत तरीके से पैसे कमाऊं? जितना कमाता हूँ काफी है मेरे लिए। धनवंती मेरे जवाब से संतुष्ट दिखी। तभी मैंने उससे कहा, अम्मा आजकल रोज रात में कई दिनों से कभी कोई छोटी बच्चियों तो कभी प्रौढ़ औरत की सिसकियां सुनाई देती हैं, और जैसे बाहर आता हूँ कुछ नहीं दिखता। बेटा ऐसे आवाज पूरे शहर में सुभाष बाबू के वक्त से आते हैं, ये बहुत आम बात है। लोग बोलते हैं यहाँ रात में सुंदर चुड़ैलें और बच्चों की आत्मा घूमती हैं। तभी तो रात में 12 बजे के बाद कुछ भी हो जाए कोई अपना किवाड़ नहीं खोलता, यहाँ तक कि पुलिस भी पहरा देने से कतराते हैं। हम सोचते थे कि तुमको ये सब बता दें, पर तुम भूत प्रेत नहीं मानते थे और इस भूतिया घर में रहने भी आ गए तो कुछ नहीं बताया। डॉक्टर सुभाष भी ऐसे ही किसी चुड़ैल के चंगुल में फंस गए थे। और बिटवा किसी को बताना मत, उनका नाम तो बच्चों के मानव अंग तस्करी से भी जोड़ा जाता है। अच्छा बेटा अब चलते हैं, अपना ध्यान रखना। कहते हुए धनवंती चली गई। मैं इन सब बातों से अनजान था, क्योंकि मेरा सरकारी घर शहर से थोड़ा हटकर एकांत में था। उसके जाने के बाद मैं मोबाइल में डॉक्टर सुभाष की जीवनी और उत्सुकता से पढ़ने लगा। उस जीवनी में लिखा था, मंजू आम लड़कियों से अलग थी, उसके शौक भी अलग से ही थे। आखिर मंजू मिली भी थी सुभाष को उसी तालाब के किनारे, उसी तालाब में मछली मारना, जो सब मना करे वही करना। एक बार तो सुभाष ने रात में मंजू से शर्त लगाई कि वो अकेले तालाब के पास से घूम आए, तो वो इतनी निडर थी कि घूम के भी आ गई। सुभाष बार बार मंजू से जिद करता रहता कि वो अपने पापा से मिलाए, पर वो टालते रहती। पर सुभाष मंजू के प्यार में पागल हो चुका था, और हो भी क्यों ना, दोनों को 6 साल हो चुके थे। दोनों ने गुपचुप शादी भी कर ली थी, पर वो थे कि छोटे से काम के लिए वक्त मांग रही थी। इतना पड़ा ही था कि अचानक मेरा फ़ोन बंद हो गया, जबकि बैटरी फुल चार्ज थी। मैंने सोचा बैटरी की प्रॉब्लम होगी शायद, और फ़ोन चार्ज पर लगा कर मैं सो गया। मैं आधी नींद में था तभी अचानक भयानक चीत्कार हुई और बाहर किसी औरत के ज़ोर ज़ोर से रोने की आवाज़ आई। मैं बाहर जाके देखा तो कोई नहीं था। मेरे कदम अनायास ही तालाब की तरफ मुड़ गए।
मैं खुद के बस में ही नहीं था, बस मंत्रमुग्ध सा चला जा रहा था। तभी अचानक बसंती ने मुझे रोका, आप कहाँ जा रहे हो? अरे कुछ नहीं, मैं ऐसे ही। तुम इतनी रात गए यहाँ क्या कर रही हो? मैं उल्टा बसंती से ही पूछ बैठा। अरे मेरे पापा का शुगर बढ़ गया है और उनकी दवाई नहीं थी, तो मैं बगल के शहर से वो दवाई अपने चाचा के साथ लेकर लौट रही थी। चाचा का कुछ काम था सो उधर ही रुक गए और मैं घर जा रही हूँ। वो काफ़ी परेशान भी दिख रही थी। बसंती की बातों में हरदम उसके चाचा का जिक्र रहता था, हालांकि मैं मिला नहीं था कभी उनसे। मैं भी बस टहल ही रहा था, मैंने बसंती से झूठ बोल दिया। अरे पर इस भयानक तालाब के पास क्यों घूमना है? आप रुको, मैं आपको कल घुमाने ले चलूँगी, वो हंसते हुए बोली। मैं अपने घर वापस आ गया, वो भी चली गई। पर इस घटना के बाद मैं थोड़ा परेशान रहने लगा। अगले दिन मैं और बसंती मोटरसाइकिल पर बगल वाली पहाड़ी घूमने निकले। रास्ते में एक भयानक पड़ता जंगल था। बसंती और मैं बातें कर रहे थे। मैंने कहा कि बसंती कुछ दिन बाद हम दोनों शादी कर लेंगे। बसंती ने कहा, अभी नहीं, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। इतना सुनना था कि अचानक से मेरा मन अपनी कहानी सुभाष और मंजू से जुड़ने लगा। पर बसंती ने तो मुझे अपने पापा से मिलाया है। ऐसे भी जब प्यार होता है लोग अपने तर्कों का खुद समाधान निकाल लेते हैं। मैंने भी अपने मन में उठे सारे सवालों का खुद ही शांत कर लिया। तभी अचानक से आवाज़ आई, धड़ाम। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो बसंती मोटरसाइकिल से गिर चुकी थी और कुछ अनजान काली आकृतियाँ उसको उठाकर ले जा रही थी। मैं बाइक से उनका पीछा करने लगा पर वो काफ़ी तेज गति से चल रही थी, तो मैं बस इतना देख पाया कि वो तालाब के तरफ बसंती को ले गए थे। उस पार अकेले जाना मतलब मौत को न्योता देना। मैंने फटाफट अपना फ़ोन निकाला और एक अच्छी जगह पर जाकर सुभाष की जीवनी पढ़ने लगा, शायद इसमें इसका कोई हल हो। उसमें लिखा था कि मंजू ने सुभाष से शादी की शर्त रखी थी कि वो उसको 21 नवजात शिशु भेंट करेगा बिना सवाल किए, जिसका कारण उसने बताया कि वो अपने पापा को उसी के लिए मनाने के लिए अनुष्ठान कर रही है, जिसमें अंतिम दिन वो उसको भी पिता से मिलाने ले जाएगी। सुभाष मंजू के प्यार में सही गलत का भेद ना समझ पाया, वो जैसा बोली वो करता गया, पर अंत में उसका जमीर उसको कचोटने लगा। उसने मंजू को 20वां नवजात शिशु भेंट देने से मना कर दिया। अब मंजू ने सुभाष को फुसलाने के लिए बताया कि उसके पेट में सुभाष का दूसरा बच्चा पल रहा है। मंजू के पापा एक तांत्रिक थे, वो चाहती थी कि पापा को अनुष्ठान पूरा करा के उनको खुश करेगी और अंत में दोनों की शादी की बात करेगी। सुभाष को पल में मंजू का बात बदलना अटपटा लगा, वो इस बार मंजू की बातों में ना आया। डायरी के अनुसार सुभाष मंजू के पापा को उसको बिना बताए मिलने जाता है और छुप कर देखता है कि उनकी एक बच्ची जिसको मंजू मरा हुआ बताई थी और चुपके से नर्स से पैदा करा ली थी, वो भी सुभाष के आंखों के सामने 20वीं नर बलि की आहुति चढ़ गई। सुभाष खून का घूंट पीकर रह गया, क्योंकि उस वक्त विरोध का मतलब था उसका और मंजू के गर्भ में पल रहे बच्चे का मौत। सुभाष को समझ आ जाता है कि वो बाप और बेटी के साजिश का एक हिस्सा था। अब सुभाष का सिर्फ एक ही उद्देश्य था, किसी तरह मंजू को फुसला कर उसके गर्भ से अपने बच्चे को बचाना। उसके लिए सुभाष ने मंजू को एक महीने तक फुसलाया और बच्चा खुद पैदा किया, पर मंजू को बताया वो मृत था और उस बच्चे को राजीव कंपाउंडर के हाथों उसके चाचा और चाची के यहाँ भेज दिया। फिर मंजू के पापा ने अगले पूर्णिमा तक अंतिम बलि ना मिलने और अनुष्ठान पूरा ना कराने के खुन्नस में सुभाष को मार दिया। डायरी में उसके आगे के पन्ने खाली थे। कहीं ये बसंती भी तो उसी तांत्रिक की कोई बेटी तो नहीं? कहीं मेरा भी हश्र सुभाष जैसा तो ना हो जाएगा? ये सब सोचकर मैं तालाब पार नहीं गया बसंती को बचाने, पर बसंती की याद मुझे हर पल आती थी। पर मैं कुछ कर भी तो नहीं सकता था। अचानक एक दिन मैं अस्पताल से घर आया तो देखा बसंती सुभाष की डायरी के पन्ने उलट रही थी। ये क्या बसंती, कहाँ थी तुम इतने दिन? कैसी हो? और ये डायरी क्यों लिया है तुमने? मैंने झटक कर उससे वो डायरी ले ली और उसका हाथ थामते हुए पूछा। उस दिन मैं तुम्हें बचाने ना आ पाया क्योंकि मेरा खुद एक्सीडेंट हो गया था। मैं खुद ही अपनी झूठी सफाई दे दिया उसके पूछने के पहले। बसंती ने ज़्यादा कुछ कहा नहीं, बस बोली, ठीक किए तुम नहीं आए, वो जगह काफ़ी खतरनाक है। और वो बोली आकर उसको सब समझाएगी। मैं बसंती के ऐसे जवाब से हैरान था क्योंकि मुझे उससे गिले शिकवे की उम्मीद थी। बसंती हड़बड़ी में थी, उसके पास वक्त कम था, सो फटाफट उसने अपने कुछ सामान लिए और गांव वालों के साथ तालाब के पार चल पड़ी बिना कुछ बताए।
उधर जाकर वो घर के अंदर देखती है तो हैरान तो नहीं रह जाती, क्योंकि वो सब डायरी में पढ़ चुकी थी। सामने एक प्रौढ़ औरत के गोद में सोया हुआ था और वो अपना हाथ मेरे सर पर फेर रही थी। मैंने शिकायती लहजे में कहा, माँ 21 साल तुमसे अलग रहा, तुमको मेरी याद ना आई? बेटा, तुझे बचाने के चक्कर में ही तो मुझे सुभाष को ठिकाने लगाने पड़ा, प्रौढ़ औरत ने मुझे कहा। झूठ झूठ बोल रही है ये, सच मैं जानता हूँ। अचानक से राजेश, जो बसंती के साथ आया था, बोल पड़ा, ये औरत तो तुम्हारी बलि भी दिलवा देती अपने पिता के अनुष्ठान को पूरा करने के लिए। वो तो भला हो सुभाष बाबू का कि जब तुम इसके पेट में थे तो तुमको निकाल कर मुझे दे दिया कि मैं तुमको चाचा चाची के यहाँ दे आऊँ, वरना ये तुम्हें भी कब का झोंक देती अपने बाप के पागलपन में। क्योंकि वो बच्ची जो सब मरने वालों का कपड़ा लेकर रोती है, वो तुम्हारी बहन ही थी। वो मेरे षड्यंत्र का हिस्सा था पागल आदमी, मुझे इस बच्चे को 21 वर्षों तक मानव में रख कर डॉक्टर बनाना था ताकि आगे मेरे बलि की राह आसान रहे। पति धोखा दे सकता है पर अपना खून नहीं। मेरे लड़की की बलि मैंने इसलिए दी क्योंकि मुझे लड़कियों से नफरत है, और सुभाष ने मुझे बता दिया था कि इस बार मेरे गर्भ का संतान लड़का है। अगर मैं लड़का होती तो मुझे किसी सुभाष को फंसाने की जरूरत ना पड़ती, जो अनुष्ठान बलि ना मिलने से पापा ना पूरा कर पाए, हम दोनों माँ बेटे करेंगे। तुम लोगों को लगा मैं इससे दूर थी, पर मैं हरदम इससे मिलती थी। मंजू ने मेरी ओर देखा और कहा। हम दोनों हंस पड़े। फिर वही मौत का तांडव शुरू करवाना चाहते हो दोनों, जो सुभाष जी ने शुरू किया था? उस दिन चुपके से मैंने डायरी के पेज का फोटो मोबाइल में ले लिया था, और तुम समझे कि डायरी तो तुम्हारे हाथ में ही है। इस औरत ने मेरे भी सपने में आकर मुझे तंग करना चालू कर दिया है, पर मैंने सुभाष जी के डायरी और राजेश से ये जान लिया कि इन दोनों पर कैसे जीत हासिल करनी है। अभी पूर्णिमा में वक्त है, उसी दिन बलि देनी होती है तुम लोगों को, इन भयानक आत्माओं को। तुम्हारा बेटा मदद करेगा इसमें, बसंती चिल्लाती है। ओह, अब समझ आया, इसी ने चाल से उस न्यूज रिपोर्टर आलिशा को ठिकाने लगाया। जब वो इस औरत की सच्चाई जान गई थी, अब यही सही वक्त है इन दोनों को खत्म करने का, राजीव बोला। उसके चेहरे पर शुद्धता के भाव थे। बसंती और उसके चाचा ने फटाक से उसको और मुझे एक खंभे से बांध दिया। बाहर गांव वाले भी खड़े थे, सो हम ज़्यादा कुछ ना कर सके। तभी बसंती कहने लगी कि तुम दोनों मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, बहुत तंग कर लिया मुझे सपने में तूने मंजू, और सुनो डॉक्टर, मैं तुम्हारे बच्चे को जन्म नहीं दूंगी, और यह मौत का सिलसिला यहीं रोकूंगी, और शहर को तुम जैसे नरभक्षियों के चंगुल से निकालूंगी। अपने सपने में जाकर ही दोनों को मारूंगी, क्योंकि वहां मैं जो चाहूंगी वही होगा, और तुम्हारी आत्मा वहीं उसी दुनिया में कैद हो जाएगी हरदम के लिए। बसंती ने ढेरों अलार्म 10 मिनट के सेट किए। अगर हम दोनों उसको कुछ करें तो वो फटाक से सपनों से हकीकत की दुनिया में आ सके। और फिर वो नींद की गोली लेकर सो गई। मैं और मेरी माँ शैतानी शक्तियों का आवाहन करने लगे कि वो हमारी मदद करे। वो आए और बोले, हम लोग शक्तिहीन हैं बलि ना मिलने के कारण, इसलिए बस थोड़ी ही क्षमता दे सकते हैं बसंती के सपने में घुस कर लड़ने को, क्योंकि सब कुछ हुआ भी अचानक था। नींद में बसंती ने बंधी हुई मेरी माँ और मेरे ऊपर पेट्रोल छिड़का। हम दोनों ज़्यादा विरोध ना कर पाए क्योंकि शक्तिहीन थे। फिर उसने आग लगा दिया। मेरी माँ और मैं धू धू कर जलने लगे। आखिरकार बुराई का अंत हो गया। बाद में तालाब के सफाई से कितने मानव कंकाल निकले, सबका अंतिम संस्कार किया गया। अचानक माँ की आवाज़ आई, उठ बे नालायक, इतवार है तो क्या उठेगा ही नहीं। मैं आंखें मलते हुए अपने ख्वाबों की रहस्यमय दुनिया से वापस आ चुका था। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं इतनी भूतिया फिल्म देखता हूँ और उसका ये नशा होगा कि मैं सपने में भी कहानियाँ बना पाऊँगा। दोस्तों, आपको ये कहानी और ये ट्विस्ट कैसा लगा हमें कमेंट में बताइए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।